नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मन की बात में काले धन पर पीएम मोदी का दिखा संकल्प, कहा 30 सितंबर तक करें अघोषित आय का खुलासा वरना होगी मुश्किल, पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बनने की अपील। दिल्ली में पीएम के खिलाफ आपका हाई वोल्टेज ड्रामा, हिरासत में लिए गए डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत 52 आप एमएलए 3 घंटे बाद रिहा, रिजिजू ने कहा ड्रामा बंद, काम करे केजरीवाल। एनएसजी में एंट्री पर किचकिच जारी, सरकार ने कहा फेल नहीं हुए, साल के आखिरी में हो सकता है फैसला, राहुल गांधी ने नाकाम कूटनीति की दी संज्ञा। बिहार के बाद यूपी में भी परीक्षा में धांधली उजागर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक, लखनऊ में एक सेंटर के बाहर पैसे लेकर बांटा गया पर्चा। और उड़ता पंजाब का दिखा इफेक्ट, पंजाब के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन से पहले करवाना होगा डोप टेस्ट, नशे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार का फरमान। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। आरिया ने पीएम आवास की ओर गिरफ्तारी देने बढ़ रहे 52 आप विधायकों को आज दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और करीब 3 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि इन विधायकों ने धारा 144 का उल्लंघन किया था, इस कारण इनकी गिरफ्तारी हुई। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आप विधायकों को इस हरकत को ड्रामा करार दिया। इस गिरफ्तारी और कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी ने कहा हमने वही कार्रवाई की जहां संघीय अपराध की बात सामने आई। मोहनिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारे पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सियोल में हुई एनएसजी प्लेनरी मीटिंग में भारत को ग्रुप की मेंबरशिप नहीं मिली, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन विकास स्वरूप ने रविवार को इस पर सफाई दी, कहा मैं फेल्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है कि नतीजे मन मुताबिक नहीं मिले। अब इसी साल सितंबर में एनएसजी का स्पेशल प्लेनरी सेशन हो सकता है जिसमें भारत की मेंबरशिप का फैसला किया जा सकता है। सरकार ने कहा प्रोसेस में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने कहा परमाणु अप्रसार संधि को लेकर हमारी पोजीशन एकदम साफ है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एनएसजी ने कहा कि एनपीटी का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। स्वरूप ने कहा जहां तक भारत का सवाल है हम एनपीटी के सारे प्रोविजंस पर अमल कर रहे हैं। गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद अब मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को रेलवे में मिलने वाली छूट को भी छोड़ने की अपील कर रही है। सब्सिडी का भारी बोझ कम करने के लिए भारतीय रेल व वरिष्ठ नागरिकों को रिजर्वेशन टिकट लेते समय ही रियायत छोड़ने का विकल्प दे रहा है। साथ ही रेलवे ने ट्रेन के सफर पर होने वाला असली खर्च टिकट पर मुद्रित करना शुरू कर दिया है ताकि यात्रियों को रेलवे से मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी मिले। पिछले वित्त वर्ष में रेलवे को सब्सिडी पर 1600 करोड़ की धनराशि खर्च करनी पड़ी थी। इनमें वरिष्ठ नागरिकों, खेल पुरस्कार विजेता और कैंसर मरीजों सहित अन्य को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि शामिल है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा और सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा लापरवाही की भेंट चढ़ गई। रविवार को 2 पालियों में परीक्षार्थी तकरीबन 2.25 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे थे। पहली पाली में ही अवर अधीनस्थ सेवा का पर्चा लीक हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित श्यामा चंद्र कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के बाहर पैसा लेकर पर्चा बांटा जा रहा था जिसमें हूबहू वही सवाल थे जो अंदर बटे पेपर में थे। वही केंद्र के अंदर एक अभ्यर्थी के पास पूरे पेपर के सही जवाब लिखा कागज भी मिला। पर्चा लीक होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और अधिकारी सख्ते में आ गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक महिला ने खुलेआम किस कर लिया। ये घटना रविवार को बेंगलुरु में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान हुई। बवाल होने पर महिला ने सफाई में कहा इसमें गलत क्या है, वे तो मेरे पिता की तरह है। कुरबा कम्युनिटी की ओर से यहाँ तक एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सम्मान पाने के बाद इस कम्युनिटी की गिरिजा श्रीनिवास ने सीएम के गाल पर किस किया। इस दौरान सिद्धारमैया ने महिला के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ भी रखा था। गिरिजा चिकमंगलूर जिले की तिरकिरी तालुक पंचायत की मेंबर है। सीएम को किस करने को लेकर जब चर्चा ज्यादा होने लगी तो गिरिजा ने कहा उसका मकसद गलत नहीं था, वे मेरे पिता की तरह हैं। मैं उनसे पहली बार मिली और वे अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे किस कर लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
काले धन के मुद्दे पर अपनी सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा। क्या घोषित आय रखने वाले लोगों के पास 30 सितंबर तक अपनी आय का खुलासा करने का आखिरी मौका है और ऐसा नहीं करने वालों को बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मोदी ने आज मन की बात में कहा, जिन लोगों के पास अघोषित आय है उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपने अघोषित आय को घोषित कर दें। सरकार ने अघोषित आय को घोषित करने की विशेष सुविधा देश के सामने पेश की है। जुर्माना देकर अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हुआ जा सकता है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि भारत के एनएसजी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, भारत को वहां आवेदक के रूप में जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर आज भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, फायदेमंद नहीं। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि कुछ लोग भारत सरकार को एनएसजी पर गुमराह कर रहे हैं। सिन्हा ने ये भी कहा कि गुमराह करने वाले सरकार में बैठे हैं। वही यशवंत सिन्हा ने कहा कि बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार की पाकिस्तान नीति पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि हम जितना इस नीति पर चलना छोड़ेंगे उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा। ब्रेक्जिट को लेकर दूसरे जनमत संग्रह की मांगों के बीच ब्रिटेन ने ईयू से अलग होने के लिए मोहलत की मांग की है। ब्रिटेन की जनता की ओर से ब्रेक्जिट के लिए बहुमत दिए जाने के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जितनी जल्द संभव हो सके ब्रिटेन ईयू को छोड़ दे, लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन इस पूरी कार्यवाही के शुरू होने में वक्त लगने की बात कर रहा है। ब्रिटेन में ईयू से अलग होने के समर्थन में जनमत संग्रह के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया कि हम ब्रिटेन सरकार से उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश जनता के इस फैसले को जितना जल्दी संभव हो अमल में लाया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया दुखदायी हो सकती है। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि वो अपने उत्तराधिकारी को इस संबंध में बातचीत की जिम्मेदारी सौंपेंगे। दुनिया के सबसे अमीर खेल बोर्ड में एक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब जल्द ही अपना नाम बदल सकता है। अपने नए नाम को क्रिकेट फैंस खुद बीसीसीआई की वेबसाइट पर पोल के जरिए चुनेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैंने आईडिया आगे फॉरवर्ड कर दिया है, मुझे लगता है कि शब्द कंट्रोल की जगह केयर होना चाहिए। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि मैं कंट्रोल शब्द को हटा देना चाहता हूं, इसकी जगह मैं क्रिकेट फैंस खिलाड़ी कोच चयनकर्ताओं प्रशासकों के लिए केयर शब्द शामिल करना चाहता हूं। 1928 में बना यह एसोसिएशन कई बार विवादों में घिर चुका है और बोर्ड अध्यक्ष की इस पहल से साफ हो गया कि वे बीसीसीआई की छवि सुधारना चाहते हैं। भारत के क्वार्टर मिलर मोहम्मद अनस ने पोलिश एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 21 साल के अनस ने 45.40 सेकंड का समय निकाला, जो रियो क्वालिफिकेशन के समान ही समय था। इस तरह उन्होंने बीती रात ओलंपिक का टिकट कटाया, इससे वो आगामी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले भारत के 21वें ट्रैक और फील्ड बन गए। केरल की इस एथलीट ने 45.44 सेकंड के खुद के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा तो उन्होंने शुक्रवार को पोलिश शहर में इस प्रतियोगिता के पहले दिन बनाया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।